सुप्रभात, गुड मॉर्निंग भक्तजन। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भक्तजन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रामनवमी के दिन किस विधि से पूजा करें और घर में हवन करें कि जिससे माँ अम्बे प्रसन्न हो। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। रामनवमी पर कन्या पूजन के साथ हवन का भी विधान है। मान्यता है कि हवन के बाद ही व्रत पारण किया जाता है। तो आइए जानते हैं रामनवमी पर हवन का शुभ मुहूर्त वह उसकी विधि। चैत नवरात्रि की नवमी तिथि इस साल 10 अप्रैल रविवार को है। इसे रामनवमी के नाम से भी जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रामनवमी के दिन ही भगवान राम ने राजा दशरथ के घर जन्म लिया था। रामनवमी के दिन भगवान श्री राम व माता सीता की पूजा करने के साथ साथ हवन भी किया जाता है। कहते हैं कि रामनवमी के दिन हवन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, वह सुखद एवं वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं रामनवमी पर हवन पूजन का शुभ मुहूर्त, हवन सामग्री और विधि। रामनवमी पर हवन का शुभ मुहूर्त 10 अप्रैल को सुबह 1:24 से शुरू होगा, जो कि 11 अप्रैल को सुबह 3:15 तक रहेगा। इस साल रामनवमी पर सुकर्मा व धति योग भी बन रहा है। सुकर्मा योग 11 अप्रैल को दोपहर 12:04 तक रहेगा, उसके बाद धृति योग शुरू होगा। कहते हैं कि इन योगों में शुरू किए गए कार्य में सफलता हासिल होती है। आइए जानते हैं रामनवमी पर हवन की सामग्री। रामनवमी पर हवन सामग्री में नीम, पंचमेवा, जटा वाला नारियल, गोला, जौ, आम की लकड़ी, गुलर की छाल, चंदन की लकड़ी, अश्वगंधा, मुलेठी की जड़, कपूर, तिल, चावल, लौंग, गाय का घी, इलायची, शक्कर, नवग्रह की लकड़ी, आम के पत्ते, पीपल का तना, छाल, बेल आदि को शामिल करनी चाहिए। आइए हवन विधि जानते हैं। रामनवमी के दिन व्रती को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। इसके बाद हवन के लिए साफ सुथरे स्थान पर हवन कुंड का निर्माण करना चाहिए। जब गंगा जल का छिड़काव कर सभी देवताओं का आवाहन करें। अब हवन कुंड में आम की लकड़ी और अग्नि से कपूर से अग्नि प्रज्वलित करें। इसके बाद हवन कुंड में सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति डालें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हवन कुंड में कम से कम 108 बार आहुति डालनी चाहिए। हवन समाप्त होने के बाद भगवान राम और माता सीता की आरती उतारनी चाहिए। तो भक्तजन, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ कि आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसी ही अद्भुत और अलौकिक पौराणिक कथाओं को जानने के लिए तथा सनातन धर्म और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारा भी निरंतर यही प्रयास रहता है कि कैसे आपके समक्ष अच्छी से अच्छी और सुंदर से सुंदर वीडियो प्रस्तुत की जाए। तो भक्तजन, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहिए। अगर आपकी भक्ति सच्ची और निष्ठावान होगी तो देर सवेर प्रभु आपकी वंदना जरूर स्वीकार करेंगे। बस हमें प्रभु पर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। प्रभु अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, बस हमें उसी परीक्षा के दौरान प्रभु पर निरंतर विश्वास रखना चाहिए। हमें अपना विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। तो भक्तजन, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता दी, जय माता दी।